नमस्कार संध्या 8:00 बुलेटिन अर्गस सुपरफास्ट सहित मुस्वप्ना आरंभ करिबा खबर अभियान आज उज्ज्वला योजना 2.0 को शुभारंभ करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश महोबा रे प्रधानमंत्री वर्चुअल रे एहारो लॉन्च करिसेंति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे आयोजित एहि कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनार हिताधिकारी सह आलोचना करिसेंति उज्ज्वला योजनार प्रथम पर्याय रे अंतर्भुक्त होइपारि नथिबा स्वल्प आयकारी परिवार को जमा मुक्त एलपीजी संजोग प्रदान करने को एथर लक्ष्य रखा जाइछि। चलित आर्थिक वर्ष पई केन्द्र बजेट रे उज्ज्वला योजना अधीन रे 1 कोटी अतिरिक्त एलपीजी संजोग रो व्यवस्था पई घोषणा करा जाइछि। आज उज्ज्वला योजना के अगले चरण में कई बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा मिल रहा है। मैं सभी लाभार्थियों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। महोबा में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल के मेरे एक और साथी रामेश्वर तेली जी, उत्तर प्रदेश के डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्य सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, सभी संसद के मेरे साथी, सभी आदरणीय विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। भारतर राजनीति और निर्वाचन प्रक्रिया रे स्वच्छता आणिबा पई आज सुप्रीम कोर्ट को पक्षरु देशर समस्त राजनीति दल को निर्देशनामा जारी करा जायछि। निर्वाचन रे समस्त अंचल रु प्रतिनिधि करथुबा जाउथुबा दल द्वारा निर्वाचित सदस्य मानकर समस्त दरकारी रेकर्ड को 48 घंटा मध्य कोर्ट रे दाखल करबाकु मान्यवर कोर्ट को तरफ रु निर्देशनामा जारी करा जायछि। एथिरे विशेष भाव रे निर्वाचन लडिबाकु जाउथुबा प्रार्थी को पूर्वर समस्त क्रिमिनल रेकर्ड को कोर्ट तरफ तर्जमा करा एपरी प्रक्रिया रे कोनोसी क्रिमिनल रेकर्ड थिबा प्रार्थी प्रतिनिधित्व को ने कोर्ट तरफ निष्पत्ति निया जिवो। आउ किछि दिन परे देश 75तम स्वाधीनता दिवस पालन करिवो। तबे चलित वर्ष जम्मू काश्मीर रा पर्यटन स्थली गुलमार्ग रे उड़ीबो 100 फुट उच्चर तिरंगा। गुलमार्ग रा 100 फुट रो भारतीय पताका नुआ जुगर आरंभ को दर्शाइबो। भारतीय सेना एवं सोलार इंडस्ट्री रो मिलित उद्यम रे एहा निर्माण करा जायछि। 2021 फेब्रुआरी 10 रे एहार निर्माण रो शुभारंभ होइथिला। आज अगस्त 10 रे सेना पक्षरु एहाकु देश उद्देश्य रे समर्पण करिसेंति। 147 दिन परे देश रे सर्वनिम्न कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। गत 24 घंटा रे 28204 आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। सेहिपरि गत 24 घंटा रे 41511 जन रोगी सुस्थ होइतिबा नै स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु सूचना दिया जायछि। सेहिपरि देश रे एक्टिव केस लोड 149 दिन रे सर्वनिम्न 388504 रहिछि, जहां समुदाय केस रो मात्र 1.21%। सेपटे वर्तमान देश रे आरोग्य हार 97.45% रहिछि। एक मुख्य अंश डेली एक्टिव केसेस, उसमें आप देखें जहां 10 मई के समय पे देश में करीब 37 लाख से अधिक केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह अब घटते घटते 5,09,000 केसेस रह गए हैं। यानी कि पीक के समय में देश में जितने एक्टिव केसेस थे उसमें 86% कमी पाई गई है। इसी के साथ ही कंटिन्यूड फोकस ऑन क्लिनिकल मैनेजमेंट, जिसके तहत हमने देखा कि 3 मई के समय में जहाँ देश का रिकवरी रेट 81.8% था, अब उसमें करीब 15% वृद्धि होते होते वह 97% के करीब हो चुका है। साथ ही जैसे कि हमने इस मंच पर इससे पहले भी बात की है, टेस्टिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस। इसी के लिए
जैसे जैसे केसेस में बढ़ोतरी नोट की गई, देश में टेस्टिंग के अनुपात को बढ़ाया गया और हमने देखा कि ऑन एन एवरेज पिछले हफ्ते भी हमारे देश में 18.29 लाख टेस्ट प्रति रोज की औसतन किए गए और एक स्थाई पर जहां हम देश में केस पॉजिटिविटी ओवरऑल करीब 3.1% ऑन एन एवरेज नोट कर रहे हैं फ्रॉम ए पीक ऑफ 21.6%, हमारा टेस्टिंग पर अभी भी उतना ही ध्यान बना हुआ है। राज्य में धीरे धीरे तळकु खसुची संक्रमण रो पारा गत 24 घंटा मध्य 1041 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। संक्रमितों मध्य 605 जन क्वारेटाइन होता बेले 436 जन लोकाल केस रही। खोर्धा जिलारु सर्वाधिक 383 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती। कटकु 132, जगत सिंहपुर 81, अनुगुल जड़े रही। राज्य में मोट कोरोना आक्रांतों संख्या 988,997 पहुंची। एतिमध्य 10,988 आक्टिव केस रही बेले 971,391 जन सुस्थ हो घर को फेरी। मालवाही ट्रेन लाइनच्युत भद्रक चरंपा निकट धामरा रेल ओवरब्रिज निकटने 13 बगी लाइनच्युत होता सूचना मिली। खाली ट्रेन टी धामरा अभिमुखे जाता समय अघटन घटी। ट्रेन में मोट 60 बगी थिबा बेले 13 बगी लाइनच्युत होई। रेलवायर एक स्वतंत्र टीम घटनास्थल में पहुंची स्थिति अनुध्यान कर। केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका बरुणा ढीआ मेगा पानीय जल प्रकल्प को विरोध। कटक चांदवाली मुख्य रास्ता बरुणा ढीआ छक टायर जली रास्त बसी रही आंदोलनकारी। से गोटे नारा रही जीवन देवु पछे पा देवुना ना पानी जमा दमुनी जेदी पानी दमु ताको जीवन जाऊ ना मो जीवन जाऊ अस्तर धड़िया को बाध्य हमु। बाइक चोर गैंग को काबू कला पुलिस। सही घटना रे कटक मधुपाटना थाना पुलिस 3 जन को गिरफ करबा सह सेमानन को निकटरु 8 चोरा बाइक जबत करिछि। 3 अभियुक्तन को मधेरु 2 जन नाबालक थिबा जणा पडिछि। 2 नाबालक गाड़ी चोरी करबा परे आठगड़ अंचलर कृष्ण प्रसाद नायक नामक जणे युवकों 2,000-3,000 टंकारे बिक्री करुथिले। समस्त अभियुक्तों नारे मामला रुजु करा जाए तदंत जारी रही सूचना देइछंती जोन 6 एसीपी। आमर मधुपाटना थाना अंचल गत मासे 2 मास आम लक्ष्य कलु कि 3-4 टू व्हीलर चोरी रिपोर्ट आम पाखे आसला। आमर ये मोटरसाइकिल चोरी उपर तीक्ष्ण दृष्टि थिला। लगातार 3-4 चोरी होवारे आम आउ टे गुरुत्व देकी आमर जो जो मेथड्स अच्छे क्राइम डिटेक्शन आम एक्सप्लोर कलु। ये आमको खबर आसगला कि आम स्थानीय अंचल 2 जन जुवेनाइल अच्छा छोट छुआ मैंने बयस 17-16 इमती हाब से केस्रे इनवल्व अच्छा तो ताकू आम कल आप्रिहेड कलु। आप्रिहेड कलापर से भलंटरली टोटाल 8 चोरी मैंने करी आम पाखे स्वीकार कले। से आठगड़ अंचल गोटे पिला अच्छी कृष्ण प्रसाद नायक आलिया सिंह ताकू सब गुड़ाक दे दिखती 2,000-3,000 टकर से लेकिन आठगड़ एरिया विभिन्न जगार बिके किसी गाड़ी भी से घर रखी यहपर भाव में आम चेषा है मधुपाटना आई आई सी टीम टोटाल 8 मोटरसाइकिल इतने रिकवरी कर 2 जन जाक जो जुवेनाइल अच्छा आम आप्रिहेड कर ताकु आज आम जुवेनाइल बोर्ड में प्रोड्यूस करूँ जी प्रोफेशनल रिसीवर ताकु मध्य आम अरेस्ट करूँ तो आज आम कोर्ट में। झारसुगुड़ा सोडामाल जमी केलेंकारी महंगा पड़ा स्वास्थ्य मंत्री पुओ को अनुकंपा। मिछ रिपोर्ट दे निलंबित तो हेले सम्मा सिंघा आरआई जगदीश साहू। आरआई जगदीश साहू तदंत करी लीज आवेदन करा जमी में खोला पड़िया बेले किछि छोट छोट बुदा रही रिपोर्ट दर्शाई पुओपाई नवदा से षड्यंत्र करिथिबार अभियोग होइथिला। अर्गस एने बारंबार खबर प्रसारण करिथिला। विधानसभा भी उठिथिला समान प्रसंग। कोलाबिरा तहसील दार रिजियोनाल अफिसर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झारसुगुड़ा और संबलपुर जंगल विभाग एसीएफ सभ्य रही मिलित क्षेत्र परिदर्शन करिथिले। लीज आवेदन करा जमी में बड़ बड़ गछ थिबा नै जिलापालंकु रिपोर्ट दिया जाइथिला। आसंता 12 तारीख युक्त 2 नामलेखा आवेदन आरंभ हेबो एनी सूचना देछंती विद्यालय गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास। सामसर पोर्टाल रे छात्र छात्री आवेदन करिवे। चलित वर्ष युक्त 2 रे मोट 54,900 सीट वृद्धि होईछि।
72,000 सीट वृद्धि पाई आवेदन करथिले विभिन्न स्कूल कोलारे सीट वृद्धि पाई 40,000 आवेदन आसवा बेले 38,000 सीट वृद्धि पाई अनुमति दिया जायछि समिति विज्ञान रे 25,000 सीट वृद्धि पाई आवेदन आसिला हेले 13,000 को अनुमति दिया जायछि सेपरि वाणिज्य रे 4,000 आवेदन को 3,900 सीट को अनुमति दिया जायछि विशेष भाव रे साइंस रे जेतु प्रैक्टिकल व्यवस्था आम पा आडमिशन करवा जी गुरुत्वपूर्ण नुहे से प्राक्टिकाल दवा चुटा बड़ कथा तेणु 25,000 दरखास्त था सैन्स जोटा से 13,000 सैन्स सीट आम आलाउ कर 4,000 कमर्स आप्लिकेसन था 3,900 कमर्स सीट आम आप्लाय कर समस्त गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ चलित थर माननीय मुख्यमंत्री निर्देश निष्पत्ति करा जायछि कौनसी फी वृद्धि हबो नाही। संबलपुर एसपी ऑफिस घेरिले गुनगुटी पड़ार शताधिक महिला और पुरुष समलई योजना रे हेउतबा सर्वे को विरोध सह पड़ार 4 जण युवकों को पुलिस गिरफ्त करी उठै नैथिबा घटना रे विरोध करी घेरिले ऑफिस एसपी ऑफिस सम्मुखरे व्यापक फोर्स मुतयन करा जायछि। पूर्णांग पश्चिम ओडिशा विकास परिषद गठन सह विकास परिषदर मुख्यालय को पश्चिम ओडिशा को स्थानांतर और परिषदर पांठि को वृद्धि करने को बीजेपी जन आंदोलन ओडिशा विकास परिषद पांठि को केवल ठिकादार पोषिबापाई व्यवहार कराउथबा अभियोग करिछि बीजेपी एने राजभवन आगे धारणा देछन्ति बीजेपी विधायक नेता और कर्मी पश्चिम ओडिशा विकास परिषद मुख्य कार्यालय पश्चिमांचल जेकोसी स्थान में आज पर्यंत पश्चिम ओडिशा विकास परिषद मुख्य कार्यालय पश्चिम ओडिशा को गला ना एवं मात्र 200 कोटी टंका दिया जाए पश्चिम ओडिशा विकास परिषद 200 कोटी टंका गोटे ब्लॉक को आपड़ सफिशिएंट नुह विभिन्न अनुदान हिसाब से 200 कोटी टंका गोटे ब्लॉक को आसू 200 कोटी टंकर पश्चिमांचल केमी विकास हो शह कोटी टंका केमी पास कर शह कोटी टंका को आधार में पास कर बजेट केमती व्यवस्था होती तो ये है प्रथम कथा अति शीघ्र काउंसिल गठन करा जाऊ द्वितीयतः आम पश्चिम ओडिशा रे ये कार्यालय को मुख्य कार्यालय को स्थानांतर करा जाऊ ये जो जिल्ला रे जो कोई गोटे गोटे ऑफिस करा जाई छी ये पूरा पूरी ताले नाटक ये कौनसी प्रकार से भली ऑफिस नाही। विजिलेंस जरिए पुरी शिशु विकास अधिकारी कार्यालय किराणी कृष्णचंद्र जेना आयबहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग श्री गुंडीचा बिहार स्थित घर ब्रह्मगिरी पौत्रिक बासभवन और भुवनेश्वर नुआगारे तीनमहला कोठा घरे चढ़ाऊ कर विजिलेंस पूर्व कृष्णचंद्र जेना ना छतुआ दुर्नीति नहीं अभियोग आ छतुआ दुर्नीति और शिशु विकास कार्य आसुवा अनेक योजनार टा हेरफेर कर संपत्ति ठूल नहीं अभियोग होता आज विजिलेंस रो तीनोटी टीम चढ़ाऊ रे शामिल होती। रायगर उमरकोट मुख्य रास्तारे भालू आतंक बेहड़ा संरक्षित जंगल रे आज दिन दुईपहर रे एक भालू निज छुआ को सांगरे नहीं ब्लॉक छक निकटरे रास्ता अतिक्रम करथिला दीर्घ समय धरी माँ और छुआ भालू दुहे एपोर्ट सेपोर्ट घूरी बुलुथबा देखिबा को मिलथिला एहि समय रे यातायात करथबा लोके भालु दुहिं को देखिबा को अटकी रहिबा सह भिड़ जमाइथिले दलित परिवार को न्याय देबा प्रसंग रे राज्य सरकार विफल होइथिबा दर्शाई केन्द्रापड़ा जिला बीजेपी पक्षरु जिलापालों कार्यालय सम्मुखरे विक्षोभ प्रदर्शन करा जायछि बीजेपी अभियोग करिछि जे केन्द्रापड़ा जिला आलीर बालकटी गाँव में नवकिशोर मल्लिक परिवार को स्थानीय सरपंच आक्रमण करने घटना को डेढ़ मास बीती जाते भी पुलिस कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करनी सारा ओडिशा रे आमर दलित विरोधी ओडिशा सरकार विरुद्ध ओडिशा रे 30 राजस्व जिले में 9-10-11 तीन दिन धरिकी आम राज्यपाल उद्देश्य जिला जिलापा जरिया आम स्मारकपत्र दि जा उद्देश्य जे वर्तमान सारा ओडिशा रे दलित मानी अत्याचार निर्यातना बढ़ु आक्रमणकारी होती विजु जनता दल नेता समर्थित कर्मी एवं दलाल मान जोटा गोटे भाता हाँ गोटे भात चिपिले जहाँ बर्तमान केन्द्रापड़ा जिलार बाड़काटी पंचायतर नवकिशोर मल्लिक परिवार उपरे जो भली भाव में बर्बरोचित आक्रमण है एवं एठी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में
सात दिन धरिकी एसपी ऑफिस सामने गणधारणा है एवं एसपी महोदय निर्भर प्रतिश्रुति देले जे जो माने नवकिशोर मल्लिक परिवार ऊपर आक्रमण करछन्ते तांको गिरफ करा जिवो एवं नवकिशोर मल्लिक परिवार विरुद्ध रे जो मिथ्या मकदमा को करा जाय छै ताको प्रत्याहार करा जिवो। वर्तमान अर्गो सुपरफास्ट समय होछि एक छोटो ब्रेक रो। ब्रेक परे स्वागत। समसाम जनी को जबरदखल प्रतिवाद रे आनंदपुर तहसील ऑफिस घेराउ। एभली घटना घटीछि केन्दुझर जिला आनंदपुर तहसील अंतर्गत कंटीपाड़ गांरे। गांरे थिबा एक समसाम जमी को कुंवर हेमरम नामक जणे व्यक्ति तहसील कर्मचारी को हात करी निज नाम रे पट्टा करी नैथिबा अभिजोग होईछि। एहार प्रतिवाद रे गांर शताधिक महिला एवं पुरुष आनंदपुर तहसील कार्यालय घेराउ करिछन्ति। समसम जमी को फेराई देवा को ग्रामवासी दाबी करिसेंति। हमर काही को कालोर हमर स्मशान घाट अछि। जे स्मशान घाटटा अछि आमे आज्ञा जन्म नै आमे गां लोक माने रखी आछन्ति। तो सेई गां रो गोटे कुवार हमर लोक से कोन कहछि ना तार से पाखर गोटे बिल थिला आ से तार केनाल सब ओळै जाय छि। जदि पळै जाय छि से कोन कहछि ना से तार भितर भितर कारसाद करकि को आरे हो अमिन को आनकि देखा दुखी करकि से जगह कौन है ना से अनावली जगह टू आम समान घाटा से पट्टा कर पकोजी पूरा पट्टा कर पूरा ताड़ी पहाड़ा पूरा खाई देला तो आम जान नु आम भाई आम आगर अच्छी मान जगह अच्छी। आंतराज्य लुटेरा गैंग को काबू कला बारिपदा टाउन पुलिस एक सुना चेन लुटेरा गैंग को गिरफ्त करने दुईट बाइक तीनोटी सुना चेन तीनोटी मोबाइल फोन जबत कर पुलिस। जबत सुना गणार ओजन पखापाखि 47 ग्राम थिबा सूचना रही। गत जून मास 29 तारीख में बारिपदा सहरर पालबणी अंचल अंजना रणा तांको स्वामी जाउथबा बेले दुईज दुर्बृत्त एक बाइक रे आसी बेकरु सुना चेन झांपी नेथिले। एने टाउन थाना रे लिखित अभियोग होइथिला। 29/6/2021 रे बालबणी अंजना गणा टाउन थाना रे रिपोर्ट करथिले। सकाळ 9टा पाखापाखि से तांको स्वामी संगे रे बालबणी गोले दे गला समय रे दुईज दुर्बृत्त केटीएम बाइक रे आसी तांको सुना चेन लुटिथिले। यह बाबद टाउन थाना 600 नंबर केस रजिस्टर होता और तदंत समय सीसीटीवी फुटेज जांच कर सीसीटीवी फुटेज आधार कर आम नंबर विहन गोटे केटीएम बाइक दुई जन संदिग्ध अवस्था बुलूते आम डिटेन करते पचरा उचरा जमापड़ता संप्रति से मानते अधिक पचरा उचरा कर से अगर दुज ना भी कही बारिपदा टाउन थाना आईआईसी और टाउन थाना स्टाफ मिलित चढ़ाऊ कर चारज को आम डिटेन करे कन्फेस भी करतीर तीन टा मोबाइल फोन जबत कर लुट्रे व्यवहार करुवा केटीएम बाइक आ गए पल्सर बाइक नंबर विहीन केटीएम बाइक और पल्सर बाइक से जबत कर। भुवनेश्वर सालिया साहिरु 95 ग्राम ब्राउन सुगर जबत हो जड़े महिला गिरफ्त कर अबकारी विभाग। जबत ब्राउन सुगर रो मूल्य 10 लाख टंका हेबो। 300 रु अधिक ब्राउन सुगर पुड़िया मध्य जबत होईछि। ग्राहक बेसरे जाय ब्राउन सुगर जबत करबा सह महिलांकु धरिथिले अबकारी टीम। दशम श्रेणी परीक्षा रे संस्कार आणिबा पई प्रयास। स्कीम ऑफ असेसमेंट व्यवस्था लागू करबाकु जाउछि। बोर्ड नवम दशम श्रेणी परीक्षार्थीक पई एहा लागू करा जिवो। चलित शिक्षा वर्ष रे लागू करबा पई योजना करूछि बोर्ड नवम और दशम पाठ्यक्रम समय रे चारोटी छोट परीक्षा दुईटी बड़ परीक्षा रहिबो। जदि कौनसी प्रकारे वार्षिक परीक्षा बातिल हुए तबे परीक्षार्थी देइथिबा परीक्षा आधार रे मार्क मिलिबो। शिक्षाविद मानक ठारु विचार विमर्श परे बोर्ड प्रस्तुत करिछि स्कीम ऑफ असेसमेंट व्यवस्था। एनि खूब शीघ्र बोर्ड पक्षरु घोषणा करा जिवो। 6 दफा दाबी नहीं राजरास्ता को ओल्लाई ट्रक मालिक संघ। सांप्रतिक महामारी समय रे रोड टिकस एवं समस्त प्रकार फाइन अर्थ एवं वीसीआर 2 वर्ष छाट करा जाऊ बोली सेमाने दाबी करी। कोरोना महामारी पर लक्षाधिक ट्रक भड़ा करी पारुनाहंती बैंक किस्ती मध्य परिशोध करी पारुनाहंती। 2 वर्ष मोटाटोरियम दियाजिबो बोली बैंक रु कहा जाइछि। यही कोरोना परिस्थिति समय रे देशर अर्थमंत्री जो भाया किस्ती छाड़ कर मोरेटोरियम करते 6 मास मोरेटोरियम देते कि गत थर कोरोना एथर कोरोना महामारी आहरी सांघातिक परिस्थिति
ତେଣୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କିସ୍ତି ମୋରିଟୋରିୟମ୍ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀମାନେ ଜୁଲୁମ୍ କରି ଗାଡ଼ିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରୁ 10,000-15,000 ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆଜି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଆଗରୁ ସରକାର ସୁଧୁରି ଯାଇ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦାବି ଦେବେ ବୋଲି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆମର 6 ଦଫା ଦାବି ମାନିଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ନା ଆଉଟ୍ ହେବ ନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଅଗଷ୍ଟ 10-20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବଢ଼ାଗଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୌଣସି ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଯବାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଛି, ୱାଚ୍ ଟାୱାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି, ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ଡ୍ରୋନ୍ ନଜର ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାରି ହୋଇଛି, ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଆଉ ଫ୍ଲାୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରାଯିବ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 10-20 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଆମର ଅଛି, ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉଷ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜନୀତି। ଗତକାଲି 4 ବର୍ଷ ତଳର ଏକ ପୁରୁଣା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ନିଆଳି ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ନିଆଳି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ନିଆଳି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନାରାବାଜି ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ, ସେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ବେଳେ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଧମକ ଦେଉଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲୁ ଯେ ପୋଲିସ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କରିଛି, ନିଆଳିରେ ଯେଉଁ ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ସେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ସଂଗ୍ରାମ ଲେଙ୍କା ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଂଗ୍ରାମ ଲେଙ୍କାକୁ ଆଜି ଗିରଫ କରାହୋଇଛି ଯେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମେସେଜ ଦିଆଗଲା ଆଜି। ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ କି ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସଂଗ୍ରାମ ଲେଙ୍କାକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦବିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଛବି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପିଣ୍ଟୁର ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାନାକୁ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି 10 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବଳ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବରେ ନେବ। ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ। ଏନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, କରୋନା କଟକଣା ମାନି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବୟସ୍କ ଓ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୂଆ ଏସ୍ସିପି ଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଏସ୍ଓପି ପାଳନ ସହ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏକାଦଶାହ ଭୋଜି ଖାଇ 30ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ। ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଦୁଦୁ ଗାଁରେ ଏକାଦଶ ଭୋଜି ଖାଇ 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, 8 ଜଣ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଘରେ ଔଷଧ ଖାଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା କଣିଡିହ ଗାଁ ନିକଟରୁ 6 ଫୁଟର ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର। ଗାଁ ନିକଟରେ ସାପଟି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିଥିଲେ, 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସାପଟି ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସାପ ଧରାଳିଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସେ ଆସି ଅଜଗରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଆହତ ଅଜଗରକୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଖୋଜାପଲ୍ଲୀରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଓଗାଁ ଆସିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କିଛି ଯୁବକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ପୋଲସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ 78ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସଂକଳ୍ପ ମାଡ଼ିଚାଲ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷିତ ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ମହାରଣା, ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କେଉଁ ଦଳର ନୁହଁ, ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମହିଳା ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମକୁ ଆସି ଯେଉଁ ସମର୍ଥନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଟ୍ରକ୍ ଫୁଲ ତୁମ ଭାଇମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ସେ ଫୁଲ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ନେଇକି ଯାଅ, ତୁମେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦିଏ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ। ବିଟ୍ରକ୍ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଫୁଲ ଧରି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଫୁଲ ବିୟୁଟିଫୁଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମର, ଯାହା ହାତରେ ଦେଖିବ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା। ଏହି ଆନନ୍ଦ ମାଡ଼ିଚାଲ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଏ ପାଖାପାଖିରେ ରହିଛି, ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ତମେ ମାଡ଼ିଚାଲ ସୁଅନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସମୟ ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।